इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि अपने को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और मोल्स भी क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें प्रेशर को चेंज करना है तो बड़ा सीधा सा फंडा है सर, यहां लिखा है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो इसका मतलब है वॉल्यूम घटना चाहिए या घट जाता होगा, और अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता होगा, क्योंकि हम मोल ओल डाल के तो कुछ कर नहीं रहे, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम को बढ़ा घटा के ही प्रेशर में चेंज लाएंगे। तो यहां पर प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ। पहला केस है सर, यहां पे डालिएगा फर्स्ट केस। बातें मत करो गुरु, जल्दी जल्दी यार निपटा दे। फर्स्ट केस, पहला केस ये कहा जा रहा है कि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब ही होता है कि हम वॉल्यूम को क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। तो इसी का उल्टा यहां लिखा है कि मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। अब सर यहां रिजल्ट लिखा है, डेल्टा एनजी समझ रहे होगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का, यही होता है सर। तो कहा गया अगर आपने डेल्टा एनजी जीरो रखा हुआ है, यानी ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एनजी जीरो है, तो कहा गया पहला रिजल्ट की कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो कहा गया कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा कहां, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी हम प्रूफ कर देंगे एक मिनट में, बस आप रिजल्ट लिख लो। अब हमको ये बताना, हम यहां दो सिचुएशन तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ हवाबाजी में लिखवा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम बिना इसके निकाल ले जाओगे, रिएक्शन देख के निकाल ले जाओगे। एक रिएक्शन दी 2A गैसियस से 3B गैसियस, क्या ये बात तय है कि इसके लिए डेल्टा एनजी जब निकालेंगे तो 3-2 यानी डेल्टा एनजी कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ये केस है डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 वाला। कहानी समझना, इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए। अब मैंने ये कहा कि अगर मैंने प्रेशर को, ये रिएक्शन कहां पर आकर खड़ी है, इक्विलिब्रियम पर, अगर मैंने कहा कि मैंने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो ली चैटलियर भाई साहब आ जाएंगे और वो ये कहेंगे क्या कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर को घटना चाहिए, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां प्रेशर घट रहा हो। अब ये बताओ कि जो मोल्स हैं गैसियस मोल, वो जितने ज्यादा बनेंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा, गैसियस मोल जितने कम बनेंगे प्रेशर उतना कम होगा। तो क्या मैं बोलूंगा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन, लाइन को सुनना, गोज टू दैट डायरेक्शन, फॉरवर्ड ऑरवर्ड मत करो अभी, दैट डायरेक्शन इन विच गैसियस मोल्स एक अपने आप इस तरीके से कर लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर गैसियस मोल
डिक्रीज कर रहे हो, यही फंडा है सर। अब आप मुझे बता दो, इधर दो लिखा है, इधर तीन लिखा है, यानी अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? गैसियस मोल किधर कम बन रहे हैं? रिएक्टेंट साइड, यानी कि मैं बोलूंगा जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या यहां पर इन्होंने ये बात लिख रखी है कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और आपने प्रेशर को क्या किया है? इंक्रीज, तो डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड। क्या हमें याद करने की कोई जरूरत है? हम डायरेक्ट निकाल लेंगे गुरु, क्लियर है मामला, बना लीजिए। इसी में जब इतना काम कर लेंगे तो यहीं पर ही दूसरी बात भी कर लेंगे कि मान लेते हैं, अब आप हमें बताइएगा इसी रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं? डिक्रीज कर दूं एट इक्विलिब्रियम, तो अब अपने मन में बोलो प्रेशर को अगर हमने घटा दिया तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगी? प्रेशर को बढ़ाने का मतलब उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैसियस मोल ज्यादा बन रहे हो। मैं बार बार गैसियस मोल शब्द का यूज कर रहा हूं, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं सर। तो गैसियस मोल ज्यादा किधर बन रहे होंगे? प्रोडक्ट साइड में, इसलिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है आपको? एक एग्जाम्पल ऐसा ही और ले लीजिए, थ्री ए गैसियस से बी गैसियस, बताने की जरूरत नहीं है क्या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वन है, यहां पर तीन है, एक से तीन को घटाएंगे तो माइनस आएगा, यानी डेल्टा एनजी लेस देन जीरो वाला केस है। ये देखकर ही बता देंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये रिजल्ट तो सब लोग लिखाते हैं, हमने भी लिखाया है, बट हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट देख लेंगे। अब डेल्टा एनजी नेगेटिव है, आप अपनी बात पे रहिए एट इक्विलिब्रियम। अब मैं सिर्फ बोलूंगा सर मैंने प्रेशर को बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां प्रेशर घट रहा हो। हमारी नजर में प्रेशर का घटना कैसा है? गैसियस मोल कम बन रहे हो, गैसियस मोल कम किधर बन रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमने प्रेशर को घटाया तो रिएक्शन उस तरफ जाने का प्रयास करेगी जिधर क्या हो, जिधर गैसियस मोल बढ़ रहे हो, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने का काम करना है रिएक्शन को। प्रेशर आपने घटा दिया तो रिएक्शन उसके उल्टा चलेगी, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? उस तरफ चलेगी जहां गैसियस मोल बढ़ रहे हो। गैसियस मोल बढ़ किधर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हमने डेल्टा एनजी जीरो रखा तो प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका रीजन अभी हम लोग निकालते हैं, अभी के लिए रिजल्ट है। ये तो तय बात है दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे भी तो दोनों में किधर भी जाओ ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो मुंह जवानी ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। किस केस में? जब डेल्टा एनजी जीरो होता है। तो मैं तीसरा केस अगर यहां लिखूं तो ए गैसियस से अगर बी गैसियस बन रहा है
तो जाहिर सी बात है डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है दोस्त? जीरो है या नहीं है? डेल्टा एनजी अगर जीरो है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पर आप चाहे प्रेशर को बढ़ाओ और चाहे प्रेशर को घटाओ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और मोल्स को कांस्टेंट रखना है, यानी कि आप कुछ मिलाकर प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा घटा के बढ़ा रहे होगे या कम कर रहे होगे। तो इसका मतलब इन दोनों ही सिचुएशन में आप कहेंगे इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब। बना लीजिए सर, प्रेशर को बढ़ाने या घटाने पर रिएक्शन किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि सीधा फंडा है कि किधर भी जाके कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है सर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि बताने के लिए तो ठीक है तुमने जिला दिया, लेकिन अभी तो बार बार बोल रहे थे कि ली चैटलर प्रिंसिपल आ जाते हैं भाई साहब, और प्रेशर जो बढ़ाया है वो प्रेशर घटाना पड़ेगा। तो असलियत में वो गया कहां प्रेशर, यानी जो बढ़ाया था या जो कम किया था वो प्रेशर कम वाला बढ़ा क्यों नहीं वहां पर? डेल्टा एनजी बराबर जीरो होने पर ऐसा क्या हो जाता है, इसकी बात करेंगे। एक केस लेंगे उससे क्लियर कर देंगे, हटाया जाए इसको। आओ भाई, कर लिखा है आ जाओ भैया, पूरी व्यवस्था के साथ आया हूं मैं। रिएक्शन बना लीजिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वही चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हमने एक इक्वेशन ही पकड़ ली डायरेक्ट, PCl5 gives PCl3 plus Cl2 gaseous। तीनों चीजें कौन सी फिजिकल स्टेट में है? गैसियस में। नंबर ऑफ मोल्स क्या है इक्विलिब्रियम पर? अच्छा यहां पर मैंने बोल दिया है क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर PCl5 के मोल N1, PCl3 N2 बना, Cl2 N3 बना। इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम V है, तो इसका मतलब जो यहां लिखा है वो सब इनके क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अभी हमने कुछ बढ़ाया घटाया नहीं है, वैल्यूज लिखते जाइए, तो सब में वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। जैसे बता रहे वो ये नहीं कि सब छाप लो बटाक से तुम भाई, ये दो पे रुक जाना तनादन लपेटे पड़े हो। कल अच्छा दिबोले सर ने क्लास रखा है तो हम नहीं रख रहे अपना क्लास, फिर एक ही क्लास बहुत है तुम्हारे लिए। चलें सर आइए। अब सर इतना पोर्शन रख लिख कर छोड़ दो, अब हमको ये बताओ कि क्या पीवी बराबर एनआरटी होता है, और पीवी बराबर एनआरटी में आपने टेम्परेचर को क्या मान रखा है, कॉन्स्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आर तो पहले से कॉन्स्टेंट था, नंबर ऑफ मोल्स तुम बाहर से कुछ ला नहीं रहे हो वो भी क्या रहा, कांस्टेंट, यानी पूरा एनआरटी का फंडा कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, और पीवी अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, यानी आपने जो कुछ भी करेंगे उसका सीधा फर्क किस पर पड़ेगा, वॉल्यूम पर। बना लीजिए सर, इतना पोर्शन अलग से साइड में लिखिए, बात को बड़े गौर से समझना है। प्रेशर को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, गैसेस गैसियस मोल डालकर या गैसियस मोल निकालकर, हमें मोल में चेंज नहीं करना। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, तो केवल और केवल प्रेशर को हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही तो बढ़ा घटा रहे होंगे। डब्बा बढ़ा, इधर देखो इक्विलिब्रियम हो रहा था, डब्बा था 100 लीटर का, बोलो भैया अचानक से आए हमने कहा अच्छा इक्विलिब्रियम हो गया, फट से कर दिया 50, तो 50 किया तो सब लोग बिल्ला जाएंगे कि नहीं, कि भैया वॉल्यूम जो है वो तो कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया यानी बोलेंगे हम सबका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब कंसंट्रेशन बढ़ा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसकी बात हो रही है। अब सर अगर मैं आपसे कहूं केसी का एक्सप्रेशन लिखो, यहां तक छाप पाए हो कि नहीं,
छाप लो छाप लो। अच्छा टेस्ट में इक्विलिब्रियम भर के दिया है, काइनेटिक्स बहुत कम दिया है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस यही हिंट है तुम्हारे लिए, वही पहला लेक्चर पढ़ाया था उसी का सवाल दिया कि वो तो आ ही रहा है, वो तो अंडरस्टूड है। हट गया तो क्या, तुमने पढ़ लिया अब तो? अच्छा हट गया तो एडवांस में फिर अभी तुम्ही में से आधा आदमी ऐसे खड़ा हो जाएगा मालूम है। मैं तो हर साल का खेल देखता हूं ना, अभी जनवरी में क्या है, अभी तुम टेंशन हो मेंस के लिए, जहां मेंस में जिनका बढ़िया हो जाएगा वो पहले तो फोटो तो खिंचा लेंगे और फिर उसके बाद देखो बस्ता टांग के ऐसे घूम रहे होंगे रोड पे। एडवांस 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 एडवांस, कोई एडवांस है सर? एडवांस का बैच बना रहे हो, एडवांस पढ़ा रहे हो, तब उस समय फिर क्या कहोगे पता है? पॉलीमर कोई पढ़ा दे, कोई हाइड्रोजन पढ़ा दे, कोई एस ब्लॉक पढ़ा दे, तो जो पढ़ लिया है वो कहीं बर्बाद होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी तो समझो समझदारी हमारी कि हमने तुमको जो चैप्टर नहीं आए हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, तुम्हें दिख रहा है 2-3, तुम कंपेयर करोगे तो बाकी जगह सब आंख बंद करके, भाई आदमी को नहीं पता है तो कर रहा है काम अपना, तो खैर और तुम्हें कोई फायदा ऐसा नहीं मिलना, तुमने जो पढ़ाया पहले वो तुम्हें सही से आना चाहिए। अब सर ये बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं केसी का एक्सप्रेशन लिखो, देखते जाना वहां डायरेक्ट ना छापने लगना, केसी बराबर तुम क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। बनाओ कॉपी में, सबकी वैल्यूज लिखो, क्या PCl3 का कंसंट्रेशन N2 अपॉन V है, Cl2 का N3 अपॉन V है और PCl5 का N1 अपॉन V है। अभी हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है, यानी डब्बा यानी वॉल्यूम V लीटर ही था अभी। तो जब हमने ये काम किया, सुनते जाना सर, तो क्या यहां से ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास केसी आएगा N2 N3 अपॉन N1 इंटू V। ये है सर, ठीक बात। कहानी को गौर से सुनिएगा, क्या ये कहानी एट इक्विलिब्रियम है? बोलो सर। और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इस समय केसी का वैल्यू, या मैं ये बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, वेरिएबल तो QC होता है, यानी कि यहां ध्यान रखना है केसी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? पगलाना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर दिया है? कांस्टेंट। तो केसी तो कांस्टेंट है, क्या क्यूसी केसी के बराबर आ चुका है? तभी हमारा क्या आया था? इक्विलिब्रियम। तो सब कुछ इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब है कि किसके माथे पर टेंशन आनी चाहिए? क्यूसी के। क्यूसी अगर चेंज हुआ तो खेल खराब होने वाला है, यानी वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ भागता है। अब तुमने क्या किया सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। इन्होंने बोला जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया, जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने से हुआ क्या, जितना ये एक्सप्रेशन लिखा है तुम्हारा, क्या यहां वी की जगह पर वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा? तो अगर वॉल्यूम कम हुआ तो क्या क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा हो चुका होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे ही आपने ये कहानी की वैसे ही यहां क्या हो गया? क्यूसी ग्रेटर देन केसी। एक बार फिर खेल समझो, क्या यहां तक एक्सप्रेशन लिख लिया इक्विलिब्रियम पे, हम बोलते हैं ये होता है, क्या हम पढ़ के आए हैं कि इक्विलिब्रियम पर हम क्यूसी कभी भी लिख सकते हैं, और क्यूसी जब केसी के बराबर होता है तो वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होती है। तो इसका मतलब केसी कॉन्स्टेंट रहता होगा और क्यूसी वेरिएबल क्वांटिटी होगी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेरिएबल है, ये बदलती रहती है और यही बताएगी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है सर। अब आपने बोला इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा मैंने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है मैंने क्या किया होगा? वॉल्यूम अचानक से कम हो गया होगा,
वॉल्यूम अगर कम हुआ तो क्या नीचे की वैल्यू घटने लगेगी, और नीचे की वैल्यू अगर घटेगी तो ये नंबर डिवाइड होने वाला छोटा हो गया अगर, तो ये पूरी वैल्यू क्या बढ़ेगी? अब अगर ये बढ़ा तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि केसी बढ़ा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहता है, यानी किसके अंदर बदलाव आया? क्यूसी के। तो क्या ये सिचुएशन बन गई क्यूसी ग्रेटर देन केसी? अब क्या हमको पता है कि क्यूसी ग्रेटर देन केसी का मतलब है कि क्यूसी केसी से ज्यादा है, यानी गाड़ी स्टेशन से आगे निकल चुकी है, यानी कि इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए कहां आना पड़ेगा? पीछे, जो वहां रट्टा मार रहे थे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिधर गैसियस मोल कम बन रहे होंगे उस तरफ जाएगा, असली कहानी यहां से पता चलती है। इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी? गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? हम प्रूफ कर रहे हैं कि हमने कैसे ये बात लिखी है। अच्छा ये बताओ, जब ये वापस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा? इधर देखो, जो वॉल्यूम में कमी आनी थी वो तो हो गई, वॉल्यूम में जो कमी आनी थी वो तो हो गई। अब अगर दोबारा वही केसी लाना है तो क्या ऊपर की वैल्यू को कम और नीचे वाली को ज्यादा करना पड़ेगा? तो रिएक्शन जो है वो क्या करेगी सर? वो अपने आप को लेकर किस तरफ भागना शुरू करेगी? बैकवर्ड। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा, बैकवर्ड अगर भागेगी तो अपने आप ही क्या होगा? तुम कहोगे सर एन वन ज्यादा हो जाएगा और एन टू एन थ्री कम होने लगेगा। नहीं सर, एन टू एन थ्री कम होगा जिस रिस्पेक्ट में, बात समझ रहे, एन वन उसी रिस्पेक्ट में बढ़े ये जरूरी नहीं है। तो ये बेसिक फंडा ध्यान रखना है कि रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बात समझ में आ रही? अब इन्होंने लिखा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर द सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ गैसलेस, यानी जो गैसियस कोफिशियंट है उसका सम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जहां कम होता है असलियत में उधर, ये रिजल्ट यहीं से निकल कर आया है साहब, बना लीजिए। तो जो बोला जा रहा है कि प्रेशर को कम करना पड़ेगा अगर बढ़ाया है तो, हम लोग मोटा मोटी बोल देते हैं कि जिधर गैसियस मोल जो है वो कम बन रहे हो उससे बना लो। असलियत में एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि भैया क्यूसी को घटाना है, और क्यूसी को घटाना है तो मतलब वी में तो कुछ कर नहीं सकते, अब वो तो होना था जो हो गया, यानी एन वन को बढ़ाओ और एन टू एन थ्री को कम करो। तो एन वन को बढ़ाने का मतलब रिएक्शन किधर लेके आओगे? पीछे। और रिजल्ट तो अपने को याद भी है, जब क्यूसी ग्रेटर देन केसी होता है तो इक्विलिब्रियम किधर भागता है? बैकवर्ड। जब क्यूसी ग्रेटर देन वो लेस देन केसी होता है तो यानी पीछे रह गया है मामला, रिएक्शन किधर भागती है? फॉरवर्ड। अच्छा ये बताओ, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा जब मैं प्रेशर को घटाऊंगा? बोलो भैया, नीचे रिजल्ट लिख लीजिए। एक सेकेंड अगर रोक दे, आ तो गया ही है तुमको, मामला पकड़ में आ गया है। अच्छा ये बताओ, डेल्टा एनजी बराबर जीरो होता अगर, क्या होता? यार हमने, अपने को कुछ है ही नहीं, जब हम एक एक बात बता रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं है कि हमको आपको रिजल्ट रटाए। जब डेल्टा एनजी जीरो होगा तो क्या ये बता दो कि ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट और ये बराबर होंगे? बराबर होने का मीनिंग ये है साहब कि ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम लिखे थे ये सब गायब। तो वॉल्यूम अगर गायब हो गया तो इसका मतलब वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं है जब इसमें, तो तुम प्रेशर घटाओगे या प्रेशर को बढ़ाओगे किस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यूसी पर। यानी क्यूसी जब हिला ही नहीं तो इक्विलिब्रियम कहीं गया ही नहीं, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए आपको यह पढ़ाया जा रहा है, वरना क्या होता है कुछ समय बाद दिमाग में सवाल रह जाता है कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव और निगेटिव में तो मोल दिख रहे हैं, जीरो में नहीं समझ में आता कि वो प्रेशर बढ़ाया हुआ और घटाया हुआ गया कहां से। और ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका नाम है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर जब तक नहीं बदलोगे तब तक। और सर अगर वो फिक्स है तो उसके साथ वो इक्विलिब्रियम पर है, मतलब केसी या केपी क्यूसी के बराबर है। वेरिएबल कौन है? क्यूसी। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ, जैसे इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया कौन बताता था? क्यूसी। वैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ ये किसकी वैल्यू बताएगी? क्यूसी की। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में क्यूसी हिला तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और उसे वापस रीमेंटेन करने के लिए उसे दूसरी तरफ भागना पड़ेगा, जिसका पूरा श्रेय किसने ले रखा है? ली चैटलियर ने। उसने इसी से रिजल्ट निकाला होगा।
मतलब हम तुम्हें उठा के कहां खड़ा किए हैं कि ली चैटलियर का कान पकड़ा जा रहा है कि उसने ये वाला एक्सप्रेशन कहां से लिखा है, ऐसे हवा में थोड़ी लिख दिया होगा। जब वो ये बोलता है, सुनो अब सुनो, ली चैटलियर उस समय क्या सोचा होगा, उसने जब ये थ्योरी मारी कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को री स्टेबलाइज करता है, और उसके बाद उसने अपने अपने रिजल्ट लिखे, तो क्या वो सारे रिजल्ट इसी को देखकर इसी तरीके से लिख रहा होगा, वो सबका एक्सप्रेशन लिखता होगा, बोलता होगा जब हम चेंज करते हैं तो अगर हमने कोई भी चेंज किया और क्यूसी हिला तो क्यूसी अगर हिला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, यानी कि रिएक्शन किसी ना किसी तरफ जाएगी, तो उसके जो रिजल्ट है उसने डायरेक्ट उठा के लिख दिए वहां पे। तो जब भी आपको कहीं कोई समस्या हो आप हमेशा कहां पहुंचेंगे, नॉर्मल इक्विलिब्रियम का मोल्स लिखेंगे, अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन के बाद चेंजेस जब करेंगे तो उसमें इसको बराबर करके लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपने जो चेंज किया है उससे आपके एक्सप्रेशन में कोई चेंज आ रहा है तो मतलब क्यूसी चेंज हो रहा है, क्यूसी चेंज हो रहा है साहब तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। अब दुनिया के 100 केस ले आओ कि इनर्ट गैस, अच्छा एक बात सुनना, मैं इसमें इनर्ट गैस भर दूं, क्या भर दूं सुनते जाना, अगर मैंने इनर्ट गैस को भरा, वॉल्यूम को रखा कांस्टेंट, क्या रखा, अलग अलग कहानी होती है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और इनर्ट गैस भरे तो तुम्हारा क्यूसी किनके मोल्स पे डिपेंड करता है, हवाबाजी की बात मत करो, PCl5, PCl3, Cl2 इन पे डिपेंड कर रहा है। तुमने हीलियम भरी कि नियॉन भरी उससे इसको कोई लेना देना, तो तुमने जब भरी तो पड़ा रहेगा कोने में, बोलो सर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्यूसी नहीं हिला। अब अगर तुमने यह बात पकड़ ली तो तुम केमिकल इक्विलिब्रियम का तगड़े से तगड़ा सवाल गिरा दोगे वहां पर, यानी तुम कहोगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तब होता है जब रिएक्शन कोशिएंट में कोई बदलाव आता है, अगर रिएक्शन क्वेश्चन नहीं बदला तो कुछ भी होने वाला नहीं है। नीचे लिखिए, मेल उतार लो, पहले छाप लो अपना जो छाप रहे हो, देखो आखिरी क्लास है तो अब हम तुमको यहां से उठा के लाए तो हम यहां नहीं छोड़ देंगे सर, हम लेके तो पूरा ऊपर तक जाएंगे भाई, हमें जब सवाल उसका कराना होता है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी रंगबाजी से बोल दे रहे हैं कि चलो हम सवाल तुम्हें कराए दे रहे हैं और सब हो जा रहा है 90% सवाल तुमसे, तो ऐसे ही नहीं हो जा रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम कुछ भी छोड़ देंगे तो सवाल नहीं होगा साहब, और एक सेकंड में पकड़ हो जाएगी हमारी कि अच्छा ये वाला नहीं बताए थे, अच्छा ये वाला नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि इसीलिए सवाल कराना बड़ा मुश्किल टास्क है। टीचर कैसे सवाल कराता है, दो सवाल करा दिए ली चैटलियर के, एक सवाल करा दिया KPKC का, हम तुम्हारे हर चैप्टर में क्या काम कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ाया और उठा के पूरा मेंस का, और जो लोग समझदार होंगे वो ये जानते होंगे कि ये या तो 2019 के पूरे करा देता है, 2020 के पूरे करा देता है, 2021 के पूरे करा देता है, मैं जब भी कराता हूं पूरे एक साल का कम से कम पूरा कराता हूं। पूरा कराने का मतलब क्या है, मैं क्यों टेंशन लूं सवाल छाटने की, साला जब उन्होंने 8 बार 8 शिफ्ट में पेपर ले रखा है तो उन्होंने खुद ही सबसे दिया होगा सवाल, तो एक साल का उठा लो काम खत्म। तो जब भी आपको रिवाइज करना हुआ करे तो ये जरूर याद रखिए कि ऑनलाइन में जब आप पेपर निकालिए तो चैप्टर वाइज में किसी एक साल का पूरा लगाइए, ना कि 25 साल के फुटकर। उसमें क्या होता है मालूम है, जो तुम्हें आता है तुम खूब करते हो, जैसे KP बराबर KC आर्टिक पावर डेल्टा है, 1988 का भी हो गया, 90 वाला भी हो गया, 91 वाला भी हो गया, 2000 वाला भी हो गया, लगा अरे भैया बहुत तगड़ा आ रहा है हमको, यही होता है, और पता चला कि प्रेशर बढ़ाया गया, मोल चेंज हो गए, ये वाले दो सवाल आए, तो भैया जुआ है, कौन सा पत्ता फेंक देगा कुछ पता नहीं है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहां तक लिखने के बाद नीचे लिखिएगा, इफ एट इक्विलिब्रियम, ये इसका इससे कोई संबंध नहीं है, जनरल कंसेप्ट है सर, इफ एट इक्विलिब्रियम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अगर है तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फिक्स रहता है, ऐसे ही लिखो हिंदी में, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फिक्स रहता है, और क्यूसी ब्रैकेट में रिएक्शन कोशियंट, क्योंकि अभी हमारा मन है क्यूसी, प्रेशर के टर्म में क्यूपी,
प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्यूपीसी, तो कहां कहां तक बात करेंगे? तो हमने लिखवाया ब्रैकेट में रिएक्शन कोशिएंट, जो कि वेरिएबल क्वांटिटी है, जो कि वेरिएबल क्वांटिटी है एट इक्विलिब्रियम क्यूसी बराबर केसी होता है, क्यूसी बराबर केसी होता है। अब हमारे द्वारा किए गए किसी भी इफेक्ट से, ऐसे ही लिखो, अब हमारे द्वारा किए गए किसी भी इफेक्ट से कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है तो टेम्परेचर नहीं हिलाएंगे, बोलो बेटा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है तो टेम्परेचर नहीं हिलाएंगे। तो इसका मतलब हमारे द्वारा किए गए किसी भी इफेक्ट से अगर रिएक्शन कोशिएंट चेंज हुआ, अगर रिएक्शन कोशिएंट चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए, न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए रिएक्शन उधर जाएगी, जहां जाने पर रिएक्शन कोशिएंट फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। हम कोई तुमको रिजल्ट नहीं लिखा रहे, हम तुमको मेन लाइन बता रहे, जहां जाने पर रिएक्शन कोशिएंट फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर होना किसका काम है, जो वेरिएबल है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रखा है। अब इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लो और मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूं कि अगर किसी को मुझे यह बताना हो कि तुमको ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ाना है तो टीचर को पढ़ाने के लिए ये पांच लाइनें जो हर टीचर के दिमाग में रहती, इसलिए वो टीचर है और तुम स्टूडेंट हो, बस इतनी कहानी समझ लो। अगर ये पांच लाइनें आपको पता है तो आपको लगभग पूरा इक्विलिब्रियम आपके हाथ में है सर, और आप डेटाबेस नहीं रह जाओगे क्यू के बढ़ने पर क्या होता है, घटने पर क्या होता है, एग्जैक्टली पता है। क्यू जो है वो गाड़ी है, चल रही है, वो बताता है कहां स्टॉप करना है कहां नहीं करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेशन है, स्टेशन फिक्स है, गाड़ी को आगरा जाना है तो आगरा का स्टेशन चल के वापस नहीं आएगा इधर उधर, वो आगरा पे ही खड़ा है, वो स्टेशनरी है। केवल गाड़ी की बात है कि वो स्टेशन पार करके आगे निकल गई है कि अभी पीछे टूंडला पे ही खड़ी हुई है। टूंडला आगे से, आगरा से पहले पड़ता है बाद में? पहले ही पड़ता है। अरे पहले ही पड़ता है, नहीं पड़ता है तो पड़ेगा आज से। चले भैया आओ भाई, अगला लिखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा ये फर्जी लिखा है कि नॉन रिएक्टिव, इनर्ट गैस है साली तो नॉन रिएक्टिव होगी, कौन नहीं है, कौन गया है, आने दो साले को, अभी बताता हूं। अभी सूसू और सब कुछ लगा जा रहा है तुमको, 10 मिनट का गैप मिलता है उसके बावजूद हमारी समझ के बाहर है, पता नहीं क्या खेल है तुम्हारा। खाली सवा घंटे की क्लास होती, डेढ़ घंटे की क्लास होती, उसी में पानी भी पी ले रहे हैं, और वो भी हम दो चार कुआं खुदवा दें यहां पे, गजब किए हो भैया। अच्छा जब हम देखते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तुरंत दो लोग उठ के, इंपॉर्टेंट है, आता हूं अभी आता हूं। और यही बाद में क्या कहते पता है, जाके ऑफिस में, कि सर वो बहुत टेंशन हो रही है। किस लिए? कोर्स को लेकर। बोले कि तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब है। हां हमें कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? जब वो समझाते हैं तो हम सूसू करने चले जाते हैं, हम पानी पीने लगते हैं उस टाइम पे, हमारा फोन आने लगता है। आधा आदमी इसीलिए फोन लेकर बैठा है कि कोई हमको फोन, तुमको कौन करेगा बे, कोई नहीं कर रहा है।
और तुम अपना ही फोटो 10 बार देख रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है। जीवन में स्टेटस बनाओ, ना कि स्टेटस लगाने के बाद 100 बार देखो कि कितने लोगों ने देखा, वो मुस्कुरा रहेंगे, अच्छा 50 हो गया, अब 500 हो गया, अब 5000 हो गया, क्या मिला बे तुझको? इससे क्या पता चलता है मालूम है? 5000 अगर हो गया है, 5000 खलियर है तेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, हटा उनको, वो दूसरे का स्टेटस है देख रहे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा देखना है, मजाक कर रहा है, इधर आओ। अरे कल बहुत भारी भरकम आइटम दिया है, 2 दिया है बे, एक मत रुको, 2 दिया है, हाँ हाँ 2 दिया है, 1 केवल डाला है हमने उसमें, नहीं समझे? आधे लोग आज जलेंगे, 1 कल डालूंगा, फिर नहीं समझे? हाँ, और बात नहीं समझे, आदमी को देखो ले जाओ ना रंगबाजी, देखो ऐसे रखो, बोले चल रहे हमने क्या चाहिए तुमको, वो हमें बाले चाहिए, हमको अच्छा भी दिलाता हूँ बाले, फिर बाले की जगह पे पता चला कि तुमने कहा यही दिलाओ, तो देख रही प्राइस की, कह रही बाबू इसमें ये लिखा 2.9 L, हम कहा लाख L मतलब लाख, हाँ दिला दिया बाद में, अब ध्यान होता है आदमी का, कह रहे हैं बताना नहीं किसी को, हम कहा अच्छा पैसा हमारा खर्चा हुआ, बताना भी नहीं, हम कहा बताना है, लौंडा मेरा अलग बिल ला रहा है उधर, कह रहा पापा हमको भी, हम कहा रुक जा बेटा मिलेगा तुझे भी। तो बात कहानी यही है, इसीलिए कहा जा रहा है आप सब भी सर कि बढ़िया से काम करेंगे तो आप तो हमसे भी बड़े आदमी बनेंगे, सर हमसे बड़े आप पहले ही हैं, लेकिन भगवान करे कि जो सोचा है वो अच्छे से हो भी जाए। आइए सर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नॉन रिएक्टिव, हमने तो डायरी बनाई है साहब, हर चीज लिखी है, कौन सी चीज हमको कब चाहिए उसके लिए हमारा एफर्ट है सर। इस साल हमने अपने सारे एफर्ट खत्म कर दिए, क्या घर बनवाना, बात समझिएगा सर, आप ये समझ लीजिए कि अगर विपरीत परिस्थिति में अपनी कोचिंग के टाइम पर, बात समझिएगा, 1.5 लाख रुपए का सामान है तो हाँ मौके पे सामने वाले ने रख दिया कि इसको भेज दो और पैसा लगा दो पढ़ाई में, तो हमने उस दिन कहा था चिंता मत करना, साल भर में 5 लाख का लग के दे देते कि लो रखो, क्योंकि अगर किया है तो वापस लाने के दम भी रखते हैं सर, और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सब हो जाएगा सर। सब लोग इन्हीं परिस्थितियों से आते हैं, कोई टाटा बिरला वाला यहां पढ़ने नहीं आ रहा है यार, सबके घर में वही समस्याएं हैं, तो किसी के यहां थोड़ी कम है, किसी के यहां थोड़ी ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है सर। तो परिस्थितियों को लेकर बहुत रोने से कुछ फायदा नहीं है, जो है वो तो है ही अपने साथ, और कमाना इसलिए है कि आपको कमाने से ही आदमी डिसाइड जब ये कर रहा है आपकी सक्सेस क्या है, तो ज्यादा बढ़िया आदमी बनना नहीं है सर। गांधी आंधी बनोगे फिर कोई नाथूराम गोडसे टहल ला होगा अगली बगल तुम्हारे, हाँ फिर तो ये भी देखना है। और हम लोग को ऐसा भी नहीं है कि जब जाएंगे यहां से तो लोग इतिहास में हमको याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे सर, जिंदगी के बड़े छोटे छोटे से रूल हैं, क्या कि पहला रूल, जिंदगी में जब जियो तो जिन लोगों ने दुख दिया है उन्हें याद रखो, दूसरा रूल रिवर्स बैक, जो उन्होंने दिया है वापस कर दो, खत्म कहानी, छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन दुख लेने में, 2 दिन वापस करने में, खत्म हो जाना है, कहां चक्कर में पड़े हो, बढ़िया पढ़ लोगे बेहतरीन, कहीं यूएसए वूएसए निकल जाओगे, 2-4 साल वहां रहोगे, कोई अंग्रेज अंग्रेज मिल गया अपना, बात समझ रहे हो, बढ़िया 5 साल का तुम्हें सीधे ग्रीन वीजा मिल जाएगा, आराम से रहो, बिल्कुल बच्चे छोटे छोटे अंग्रेज बच्चे, तुम कलूटे बच्चा तुम्हारा गोरा, इमेजिन तो करो तुम कहां चक्कर में पड़े हो। और सुनो, नाम क्या है? लोरियल। बोला जा रहा है अब जब तुम स्टेटस डालोगे, तुम्हारे गांव का आदमी कहेगा, जब तुम्हारा लड़का गांव में उतरेगा तो वो हिंदी बोले नहीं रहा है,
और अगर वो बोल दे रहा है कि काबा, तो इतने में तो वायरल हो जा रहा है तुम्हारा लड़का। यही तुम्हारे जीवन का अचीवमेंट है, उड़ गया तुम्हें चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इंजीनियर बन जाओगे, फिर तुम यहां से जाओगे नासा में, फिर वहां से तुमको कोई स्पेसशिप तुम ही बनाओगे, वरना बन नहीं रही थी वो। नहीं सर, बल्कि तुम्हारी तो स्थिति यह होगी कि तुम जहां जाओगे बस वहां तुम टिके रहना। क्योंकि अगर, और यह भी समझ लो, जब आदमी ज्यादा समझदार हो जाता है तो जो पढ़ते पढ़ते वो जानता है कि बोलना बोलना नहीं है ज्यादा। जैसे किसी ने पूछ ले भैया इसमें क्या करें, तो वो पूछ लेता है कि आप लोग बताइए क्या किया जाए इसमें। तो 10 लोग हैं, 10 को दे दिया, पढ़ाई इसीलिए IIT से बीटेक करके जाइए, 10 NIT वाले, 100 नॉर्मल वाले आपके नीचे हैं। आपको कोई टास्क मिला, आपने कहा कि सुनिए अब हम सभी लोगों को जान लड़ा देनी है, हम सभी लोगों को ये करना है, हम सभी लोगों को वो करना है, दुनिया भर की कहानी दिन में आपने मारी, रात में जाके पब में बैठे हैं आराम से और सबकी रिपोर्टें आ रही हैं। आपने धीरे से देखा कि अच्छा ये वाली अच्छी, बॉस को सामने ऊपर वाले को भेज दी कि ये वाली ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा तो बड़ा ही बड़ा मामला, जो नीचे वाला है उसके कंधे पे जाके इतना बोल दे कि शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड। ऐसे ही करते रहोगे तो 20-30 साल में खत्म हो जाओगे, वेरी गुड, शाबाश। ये वही छोटा इंप्लॉई है जो कहता है कि हम जीवन भर काम करते हैं और हमारे लिए कोई कुछ करता नहीं है, जब करना था तब तुमने नहीं किया। तो ये भी देखे रहिए कि आपकी मेहनत का फल कितने लोग उठाएंगे, ये आपका एजुकेशन तय करेगा। इसलिए आप पढ़ रहे हैं, और किसी लिए नहीं पढ़ रहे, काबिलियत में कोई कमी नहीं है साहब। तो अगर पहले झपट्टे में IIT मिल जाता है तो लपेट लो, NIT मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा, उससे कम मिलेगा तो भी दर्द, और कहीं कुछ नहीं मिला तो भैया फिर वही है कहानी की, फिर यही पूछा जाएगा कि मैगी बना लेते हो बोलो। और फिर ये वही लोग हैं जो क्या कहेंगे पता है, पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं। हाँ नहीं होता है, वो आया वापस, कौन था, आया नहीं है, सुन गया है, निकल लिया है, हाँ अब नहीं आएगा आज वो। आओ सर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बोला गया, सुन लो, पहला डालो, अलग अलग कहानियां हैं। पहला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हेडिंग है सर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो वेजल है, जो डब्बा है, वो डब्बा फिक्स है, वो किसी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। अगर ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है तो इसका मतलब किसी कीमत पर डब्बे का साइज वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे। अब इन्होंने बोला मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एवरी सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन एवरी सब्सटेंस रिमेन्स, ये घटा दो, गलत है ये, रिमेन्स कांस्टेंट लिखो। अब मोलर कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो हमने माना कि इक्विलिब्रियम पर मोल है N1 और इन भाई साहब के N2, डब्बे का वॉल्यूम V है, इसके अंदर हमने भरी इनर्ट गैस, क्या डाली सर, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के मोल डाले हमने N3, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर KC है तो N2 upon V, क्या समझदार हो, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A होगा, डिवाइडेड बाय N1 upon V, और ये किसके बराबर खड़ा है, QC के, VV कैंसिल आउट हुआ, N2 upon N1। जब सर यहां साफ समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब ये केस हमने कौन सा वाला लिया है, Δng = 0 वाला, बोलो भैया। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि ओकी वॉल्यूम नहीं है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, जवाब यह है ही नहीं। Δng कुछ भी हो, क्या यहां एक्सप्रेशन में N2 और N1 के मोल है, और सर आप क्या बढ़ा घटा रहे हो, इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए लिखा गया है सो नो इफेक्ट। और यहां ABCDE इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहां लिखा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
इसको नहीं उतारना है अभी, इसके बारे में भी बात करते हैं, वो उतार लो बस और ये रिजल्ट लिख लो, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया गया तो ऐड करने पर सीधी सी कहानी है साहब कि जो गैसियस मोल है इनर्ट गैस के उसका एक्सप्रेशन से कोई संबंध नहीं है। अच्छा वॉल्यूम से संबंध हो सकता था लेकिन तुमने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, इसका मतलब हमारा क्यूसी नहीं हिला यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। एक छोटी सी बात जे एडवांस के लिए, यहां तक तो रिजल्ट आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये बताइए सर, जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो ठीक बात है, लेकिन डब्बे के अंदर का प्रेशर तो बढ़ ही गया होगा ना। अरे बोलो ना यार, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनर्ट गैस एड करने पर टोटल प्रेशर क्या कर गया होगा, इंक्रीज कर गया हो, क्लियर है बात, ये बात जरूर लिख लीजिए साइड में। अब इन्होंने क्या बताया है सुनिएगा, खत्म नहीं हुआ है, सब लिखा है साइड में, थोड़ा थोड़ा लिखवाया हमने, पूरा लिख देंगे साला आदमी यही ले जाएगा फिर। अब ये कहानी क्या है, इसी से कोरिलेट करती है, ये कह रही है अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर एन आर टी। क्या साहब बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर हमने टेम्परेचर को और वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है आर भी क्या है, कांस्टेंट, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल गैसियस मोल बढ़े तो प्रेशर भी बढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने कहा कि जब तुम यहां केपी लिखते होगे तो पार्शियल प्रेशर लिखते होगे, बोले बिल्कुल भाई साहब लिखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर अगर लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर की कहानी क्या थी, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो जब हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम वाले मोल, नहीं टोटल मोल, तो टोटल मोल में तो इनर्ट गैस वाला आके घुस गया, तो अगर ये घुसा तो इसने क्या टोटल मोल को बढ़ाया, टोटल प्रेशर भी बढ़ा। वो कह रहे हैं ये दोनों बढ़े तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके अंदर घुस के देखने की जरूरत नहीं, ये कितना बढ़ा ये कितना बढ़ा, वो डेटा आएगा तो उसकी भी बात कर लेंगे, क्लियर है मामला, बना लीजिए सर इसको भी। यानी एक्सप्रेशन ये कह रहा है जो आपके मन में सवाल है कि आप, मैं कितना भी बता के निकल जाऊं ये बात जरूर रह जाएगी कि सर सारी बातें ठीक हैं, एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहा है वो सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात अगर करो तो डब्बे में अगर इनर्ट गैस भरोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, टोटल प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, टोटल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टोटल मोल बढ़े, क्योंकि तो उसने कहा दोनों ही चीजें यूज की जाती हैं, तो अगर यूज करोगे तो नेट में क्या आएगा, कांस्टेंट, तो वो एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे के क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं आता, और कौन है जो बच के निकल जाता है, क्यूसी। इसका मतलब इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, नीचे लिखिए ये लाइन, कंक्लूजन, इनर्ट गैस को इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करने पर इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। इधर सुनो, इनर्ट गैस हमने अगर डाली अंदर डब्बे के, प्रेशर हम चाह रहे हैं ना बढ़े,
तो मतलब हम डब्बे को खुला छोड़ देंगे, खुला इन द सेंस कि उसको नॉर्मल छोड़ देंगे पिस्टन को। तो जैसे ही गैस भरोगे क्या पिस्टन अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा और कह देगा भाई अब मामला क्या हो गया है कॉन्स्टेंट, यही मतलब होगा सर। चलिए तो हेडिंग डालिएगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। गलत लिखा है भाई, नहीं है कोई नहीं, आप हेडिंग डालो हम बता रहे हैं बना के। एडिशन ऑफ, देखो बातें मत करो वरना भी आ रहा है, ये लास्ट वाला है, ये निकल लिया तो कहानी खत्म। इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक एक्सप्रेशन लेते हैं वही जो पीछे लिया था, लिखिएगा PCl5 gives PCl3 plus Cl2। हम सबकी फिजिकल स्टेट को गैसियस गैसियस ले रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, हमने सबके मोल N1 N2 और N3 माने। वो मन बुद्धि है साला को वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट लिख दिया है ना, इसलिए कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं पढ़ लिख लोगे हमारे काम आ जाओगे यार, 40-50 हजार रुपया तो हम दे देंगे तुमको। हाँ अब आदाद में इसी चक्कर में पढ़ना ही छोड़ दे, और तुम्हारा दूसरा कहानी है ना, जैसे तुम्हारा कोई मदद करे तो क्या कह रहे हैं तुम हमें क्या दोगे, हम यहीं कोचिंग खोल के तुमको पलटा देंगे, आधा ही जुगाड़ में चल रहा है। तो ठीक है अच्छी बात है, कभी हम भी इसी जुगाड़ में थे तो तुम भी रहोगे। हर आदमी का दिन आता है यार, कोई परमानेंट नहीं है, भगवान करे कि तुम हमें पलटा दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा किसी दूसरे शहर में। नहीं समझे सर, मैं अलीगढ़ में नंबर एक पे चल रहा हूं, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, और कभी कानपुर की तरफ मत देखना। नहीं देख, देखो एक बात सुन लो, अर्जुन कितना भी बड़ा धनुर्धर बन जाए, बात समझ रहे हो ना, द्रोणाचार्य को जानता है, ये अंगूठा ही काट लेता है सीधे। बोलो तो मारने के लिए क्या करना पड़ा अंत में, कि बोले गुरु से कि अपना हथियार रखो तब मार पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो वो होता ही है, या आइए एन वन एन टू और एन थ्री मोल्स है, नीचे लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम ये सब काम कर रहे हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम है वी, वी वॉल्यूम वी लीटर। केसी लिख दो जरा, तो समझदार आदमी हो क्या ये बताओ, अगर मैं इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखूंगा तो N2 अपॉन V, N3 अपॉन V डिवाइडेड बाय N1 अपॉन V, तो क्या सर एक V तो गायब होता हुआ मिलेगा, यानी केसी का एक्सप्रेशन आएगा N2 N3 अपॉन N1 इंटू V, ये होगा सर। इस मारे कर रहे हैं क्योंकि हम डेल्टा एनजी जीरो फीरो के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, जीरो होगा तो भी नहीं होगा। अरे बोलो ना यार, अगर डेल्टा एनजी यहां क्या है, अरे प्लस माइनस में बोलो भाई,
पॉजिटिव है यार, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो ये वाला फैक्टर ज्यादा है, वॉल्यूम का फैक्टर नीचे आएगा। डेल्टा एनजी निगेटिव है तो वॉल्यूम ऊपर आएगा, बस इतना ही तो फर्क आएगा सर। ये कहानी है सर। अब ये बताइए, हमने ये सारा खेल कहां कर रहे हैं? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अच्छा ये बात तय है कि टेम्परेचर हम वैसे ही आंख मूंद के कॉन्स्टेंट माने हुए? बोलो भैया, क्योंकि टेम्परेचर तो अंडरस्टूड है कि कॉन्स्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ही बदल जाता है। अब सर क्या पीवी बराबर एनआरटी में प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा, टेम्परेचर पहले से कॉन्स्टेंट है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज्यादा गैसियस मोल होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी जितनी गैस ठूसोगे वॉल्यूम उतना इंक्रीज कर जाएगा। नीचे लिखना, एक्सप्रेशन लिखो और नीचे लिखो, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसियस मोल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। अब इसमें सभी लोग आ चुके हैं। अब सर देखते जाना, ये सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम पर है, यानी केसी अगर इसके बराबर है तो ये किसके बराबर चल रहा है? क्यूसी के। ठीक बात। अब हमने इसी में खेल किया, यहां तक सबने उतार लिया है। अब सर हम इसके अंदर, चलो भाई, इनर्ट गैस भर रहे हैं और इनर्ट गैस के हमने N4 मोल डाले, मना लो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हैविंग N4 मोल्स, तो ये कह रहा है मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इनर्ट गैस जैसे ही मैंने ऐड की, वॉल्यूम क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो इधर आओ, क्या इस एक्सप्रेशन को दोबारा देखो, तो क्यूसी बराबर एन टू एन थ्री अपॉन एन वन इंटू वी था सर। क्या जब ये वैल्यू थी तो इसका सीधा सा मतलब था कि ये क्यूसी के बराबर था। अब यहां क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू घटी, ये घटी तो असलियत में क्या घटा, क्यूसी। बाहर कौन मुस्कुरा रहा है? केसी, वो तो कह रहा है हम तो वही है, तुम अपना खेल खेलो। तो अब सर इधर देखो, तुम मुझे रिजल्ट बताओ, क्या यहां पर क्यूसी घट गया है, यानी कि क्यूसी लेस देन केसी, और क्यूसी जब केसी से कम होता है तो मतलब गाड़ी स्टेशन पे नहीं पहुंची, अभी पीछे है, यानी रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी चेंज आएगा साहब, है ना, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे रट्टा नहीं मार रहे, इनर्ट गैस को डालने में कुछ नहीं होता है, होता है साहब, कांस्टेंट वॉल्यूम में डालोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात और सुनो, अब तुम अगर थोड़े समझदार हो तो तुम ये कहोगे, देखो भाई डेल्टा एनजी अगर जीरो है, वॉल्यूम साला है ही नहीं, डेल्टा एनजी जीरो नहीं है, पॉजिटिव या निगेटिव, यानी वॉल्यूम का फैक्टर आएगा। अब तुम इनर्ट गैस इंटर कर रहे हो और वॉल्यूम रखे कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है तो जाहिर सी बात है इनर्ट गैस के मोल कभी भी एन वन एन टू की जगह ले नहीं सकते। बोलो, केवल एक ही फैक्टर है जो हमारे साथ चलता था, वॉल्यूम, तुम उसी को ही कॉन्स्टेंट करके बैठे हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा पीछे। यहां आए, यहां पर डेल्टा एनजी पॉजिटिव या निगेटिव आएगा तो वॉल्यूम का फैक्टर रहेगा, तो तुमने प्रेशर कॉन्स्टेंट किया लेकिन वॉल्यूम को खुला छोड़ दिया, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल। इसका मतलब तुमने इनर्ट गैस भरी तो गैसियस मोल बढ़े, गैसियस मोल बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ा। अब तुम्हारा वॉल्यूम डेल्टा एनजी के फैक्टर के हिसाब से बताएगा कि अगर वो नीचे है तो वो बढ़ा है, क्यूसी को घटा देगा,
क्यूसी घटेगा तो रिएक्शन किधर भागेगी? फॉरवर्ड। अगर यही केस दोबारा आ जाए डेल्टा एनजी निगेटिव के लिए तो क्या यह वी वाला फैक्टर ऊपर कूद के पहुंच जाएगा? वी ऊपर अगर पहुंचेगा तो क्या वी बढ़ेगा तो नेट में यह वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, यानी क्यूसी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यूसी बढ़ा हुआ है तो इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हुआ, यानी रिएक्शन गाड़ी आगे निकल गई, स्टेशन के पीछे आओ, यानी रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड। क्या बात समझ में आती है? बहुत टिपिकल चीज है गुरु, हम काबिल आदमी है इसलिए तुमको समझा ले रहे हैं। अबे हम नहीं तुम काबिल हो यार, ऐसा बोलना पड़ता है। उतार लो, नीचे लिखो, इतनी बात याद रखोगे तो हंसते खेलते मामला निकाल दोगे, वरना मैं रिजल्ट लिखा देता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे रिजल्ट लिखो, इफ डेल्टा एनजी बराबर जीरो, इफ डेल्टा एनजी बराबर जीरो, और ये केस है इनर्ट गैस एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर अंडर स्टूड है कॉन्स्टेंट ही रहता है। आगे लिखो, इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब नो इफेक्ट, इफ डेल्टा एनजी पॉजिटिव, इफ डेल्टा एनजी पॉजिटिव, ए डेल्टा एनजी सही से बना, इफ डेल्टा एनजी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यूसी, तुम बोलो जरा, वैल्यू ऑफ क्यूसी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रखोगे तो रिजल्ट ध्यान रहेगा कि हाँ हमने निकाला था, वरना बाकी तो किताबों में लिखा ही कि फॉरवर्ड जा रहा है, उसमें कौन नई बात है। तीसरा केस अपने आप बनाओ, इफ डेल्टा एनजी निगेटिव, इफ डेल्टा एनजी निगेटिव वैल्यू ऑफ क्यूसी इंक्रीजेस, अभी भी फैक्टर वही है। इधर देखो दोस्त, अगर इस पे सवाल आ गया थ्योरी का जान निकल जाएगी, गारंटी बता रहा हूं। अभी भी क्या लिखोगे? अगर तुमने इनर्ट गैस भरी है तो वॉल्यूम अभी भी क्या होगा? बड़ा ही होगा, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन में वी कहां आ रहा है? ऊपर। तो आपने बोला वैल्यू ऑफ क्यूसी इंक्रीजेस ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इतनी कहानी है। अब एक बात बताओ, 2 बजे अगर आ जाओ तो सवाल लगवा दे, बोलो भैया, या कल आ जाओ। बोलो, आ जाए 2 बजे? कितने लोग आओगे सही से बताओ, तबीयत गड़बड़ है भाई जी, हम आएंगे फिर मूड खराब होगा हमारा। आओ लगवाते हैं सवाल, सुन लो, ऑनलाइन होएगा कि नहीं होगा? नहीं होएगा। रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। रिकॉर्ड ही नहीं करवाऊंगा लेक्चर, बात समझे या नहीं समझे? तो अगर जैसे आता हो तो मत आना, क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की? थ्योरी तो पढ़ी ली है तुमने,